ताजनगरी आगरा सहित पूरे देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं आगरा ही नहीं, शहर से लेकर देहात में हर जगह अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात का स्मरण करते हुए हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा की मुहिम को दिल से अपनाया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को पूरे देश के वासियों ने तिरंगे की खूबसूरत चादर से ढक दिया हो। माने विद्यालय हो या सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय, सभी लोगों ने इस मुहिम को दिल से अपनाया है। देश की हर गली हर छत हर शहर बाग बगीचे विद्यालय ये सब खूबसूरत नज़ारा तिरंगे में दिखाई दे रहा। सभी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस का पूरे जोश से सम्मान किया। यह मनोरम दृश्य देखकर हर किसी का दिल प्रफुल्लित हो गया। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आगरा शहर से सटे गांव जारुआ कटरा की हैं। जारुआ कटरा के विवेकानंद इंटर कॉलेज में देखिए किस प्रकार छात्र छात्राओं ने प्रफुल्लित होकर 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। जहां छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों को गाकर अपने वीर शहीद अमर बलिदानियों को याद किया है, तो वहीं छात्र छात्राओं में देखिए किस प्रकार उत्साह दिखाई दे रहा है। मासूम छोटे छोटे छात्र छात्राएं या बड़े, सभी के हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो वहीं छात्र छात्राओं द्वारा अपनी प्रस्तुति के माध्यम से जिस प्रकार देश के अमर बलिदानी शहीदों को याद किया है, तो वहीं स्कूल में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यदेव दुबे ने भी इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जहां हमने आज़ादी के बाद जीरो से स्टार्ट किया था, आज हमारा देश विश्व के पटल पर अपना दखल लगता है। सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति हमारी किसी भी देश को जवाब देने के लिए तैयार है। हम सैन्य शक्ति में भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो पहले हमें पढ़ने के लिए शहरों की ओर दौड़ लगानी होती थी और दूर दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था, जिसमें अधिकांश लोग पढ़ नहीं पाते थे। परंतु आजकल आप देख रहे हो प्रधानमंत्री और भारत सरकार की योजना है कि हर गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, तो वहीं निजी विद्यालय भी हैं। यानी कि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हमारा देश अब बुलंदियाँ छूता हुआ नज़र आ रहा है। हम किसी भी देश से कम नहीं हैं और विश्व पटल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग ही पहचान बनाई है। तो आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार छात्र छात्राओं में उल्लास दिखाई दे रहा है और वहीं छात्र छात्राएं अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी प्रस्तुतियां देकर सभी वीर शहीदों को याद कर रहे हैं। तो वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं मुख्य अतिथियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे आज के कार्यक्रम को लेकर, किस प्रकार उत्साह दिखाई दे रहा है छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों में। और देखिए किस प्रकार तिरंगा यात्रा निकाली गई है, वहीं तिरंगे को फहराया गया है, वहीं 75वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें स्कूल में आप पहुँचे मुख्य अतिथि की ओर से माँ सरस्वती पर देखिए किस प्रकार पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, दीपक जलाया जा रहा है और जिसके साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई थी। तो आपने देखा, आप हम जानते हैं मुख्य हिंदुस्तान आज विद्यालय में 50 को मिली थी, क्योंकि हमारे विद्यालय में 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, लेकिन यह 15 अगस्त 2022 एक पूरा देश विशेष उत्सव के रूप में मना रहा है। आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यानी 76वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इस 15 अगस्त को मना रहे हैं। पिछले 75 वर्ष में भारत ने जीरो से स्टार्ट होके विश्व समुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और इस छोटे से कालखंड में ही हम लोग एक
चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में हम एक अच्छा लक्ष्य हासिल किए हैं। हम सब लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज हम पूरे विश्व में चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति हैं। सैन्य क्षेत्र में हम अमेरिका चाइना के बाद तीसरे नंबर की शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। आज भारत की जो उपस्थिति है उसको विश्व समुदाय की कोई भी शक्ति नकार नहीं सकती। तो इस तरह की यात्रा को हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत की ये 75 वर्ष 76वीं जन्म बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से बच्चों में इस स्वतंत्रता दिवस को लेके बहुत उत्साह है। लगातार पिछले हफ्ते से तैयारी कर रहे थे और आप सब लोग देख रहे हैं कार्यक्रम की भव्यता, और उनको सब देख के बच्चों में इस आज़ादी के पर्व को मनाने का बहुत महत्वपूर्ण उत्साह है। आज हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है। और जैसा कि सब जानते हैं कि इस वर्ष भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, और जितनी भी पिछली कुछ घटनाएं, जैसे हम अगर बात करें पुलवामा कांड, पुलवामा आतंकवादी हमले जो हुए उसके बाद जो हमारी सैन्य शक्ति ने अंदर जाकर के घुसकर के दुश्मन का सर्वनाश किया, बिल्कुल आतंकी अड्डों को नष्ट किया, वो भी एक पहली बार हमने देखा कि बिना युद्ध करे ही उन्होंने एक युद्ध जैसी क्षमता का परिचय दिया। और विश्व में भारत, अगर हम कहें कि अगर उसकी छाप है, कोरोना काल के बाद भी भारत ने जो आर्थिक रूप से प्रगति की है वो भी उसकी एक क्षमता को दर्शाता है। और आज इस तिरंगे के छाया तले हम इस 76वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। जैसे कि केसरिया जो हमारा रंग है, जो कि साहस और वीरता का प्रतीक है, वो हमारी सैनिकों के अंदर बिल्कुल ओतप्रोत भावना से रहती है। और अगर हम बात करें जो सफ़ेद कलर है, जो कि शांति और सद्भावना का प्रतीक है, उसको भी संदेश को भारत ने विश्व में बहुत अच्छी तरह पहुंचाया है। कोरोना काल में जितनी मदद अगर किसी देश ने की तो वो शायद भारत ही था। और अगर हम बात करते हैं हरे रंग की, जो कि हमारे तिरंगे का है, जो कि एक विकास को दिखाता है, और कोरोना के बाद देश ने जो सबसे ज़्यादा तरक्की की है, अगर विश्व इस बात को स्वीकार करता है तो स्वीकार करता है कि भारत आज भी उससे सबसे जल्दी उसने तरक्की की है। और जो चक्र है वो निरंतरता के में बिलीव करता है, विश्वास करता है, और हम आशा करते हैं कि हमारा भारत और निरंतर विकास करते हुए विकासशील भारत से एक विकसित भारत के अंदर बदल जाएगा। धन्यवाद। 76वां वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस हमें बड़ी परेशानियों से प्राप्त हुआ और हमें इसको व्यर्थ में नहीं जमा देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हर एक जगह, प्रत्येक शहर, प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, गांव में बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि कोई भी गांव गली ऐसा नहीं जहां के झंडा नहीं लहरा रहा हो। भारत की शान तिरंगा, ये हम उसके मान सम्मान के लिए अपने सिर को सदैव झुकाते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत। इस वर्ष चलता रहता था 15 अगस्त का, लेकिन चूंकि विशेष कार्यक्रम इस बार रखा है 75 वर्ष पूर्ण होने पर, 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। छात्र छात्राएं मना रहे हैं, प्रत्येक नागरिक मंगा रहा है, जैसे आदेश हैं, प्रत्येक नागरिक जो अपने अपने निवास पर भी ध्वजारोहण करने के पश्चात मंगा रहा है, तो निश्चित तौर से एक शिक्षित समाज में ये संदेश जाए कि किन किन परिणामों के पश्चात, किन किन कठिनाइयों के पश्चात, सामना करने के पश्चात हमारे यहाँ इस देश को स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए हमें, प्रत्येक विद्यार्थी के क्या इसके मूलभूत कारण रहते हैं जिससे कि वह स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका
दर्शाए और उपस्थित रहे, तो इसलिए इन्हीं सारे उनको मद्देनज़र को ध्यान में रखते हुए आज इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों ये स्वतंत्रता बड़े ही मूलभूत कारणों के पश्चात बाद हमें प्राप्त हुई है, तो हम इसे किस प्रकार बनाए रखें वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। शिक्षित समाज समृद्ध भारत या समृद्ध भारत की रचना करनी है तो समाज को शिक्षित करना होगा, विद्यार्थियों को सही प्रेरणा और शिक्षा देनी होगी।